रिपोर्टर हम रिपोर्ट एक्सक्लूसिव। इंदौर में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई FIR। कलेक्टर मनीष सिंह और DIG मनीष कपूरिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लास्ट में विभिन्न जगह FIR के पश्चात जब साक्ष्य का परीक्षण किया गया उसके उपरांत तलाश की गई थी। दो आरोपी अभी हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। शेष आरोपी अभी फरार है। एक आरोपी का अभी जेल में दाखिल होना ज्ञात हुआ है। इन छह प्रकरणों में समुचित अनुसंधान चल रहा है और जो विधि का जहाँ जहाँ उल्लंघन हुआ है अभी IPC सेक्शंस में है। यदि कोई माइनर एक्ट का भी उल्लंघन किया गया होगा तो उसका भी समावेश किया जाएगा और एक फुल प्रूफ केस इसमें माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। अनुसंधान इस सब में चाहिए। अभी जो दो व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं, एक श्रीधर है और एक खत्री। सर ये आपने बताया कि दो आरोपी अयोध्यापुरी और खुशबिया अयोध्या और मैदूर पंचायत, इसमें जो जमीन एक में सिंप्लेक्स रूप में जमीन ले रही है और दूसरे में भी 5 एकड़ जमीन जो है वो चली गई, जैसे हम लोग को अधिकार मिलेगा कि बिना स्टैंप ड्यूटी के हम लोग कोर्ट में केस लगा सकते हैं। एग्जेम्प्शन मिलते ही हम लोग केस लगा करके बड़े स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, सारी रजिस्ट्री निरस्त कराने के लिए स्ट्रॉन्ग केस बना करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दूसरा सवाल मेरा ये था कि इंदौर में भूमाफिया के खिलाफ तो आपने बहुत असरकारक कार्रवाई की, इसके पहले भी कई बार भूमाफिया जो सोसाइटियों की जमीन को खुर्द-बुर्द करने में लगे उसमें प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन इन सोसाइटियों से जो लोग जुड़े हैं जो वास्तविक प्लाट धारक है उनको समय पर प्लाट मिल जाए, प्लाट के लिए संघर्ष न करना पड़े। होता है कि भूमाफिया तो जेल चले जाते हैं, बाद में आपने बिल्कुल सही बोला है। और दो चीजें इम्पोर्टेंट होती है इसमें, एक तो जो पात्र लोग हैं उनको भूखंड का अल्पत्व मिल जाए उनको, ताकि खड़े हो सके, जो नहीं हो रहा है इंदौर में हुआ था, हुआ है पर उतनी स्पीड से नहीं हुआ है जो आप बोल रहे हैं। दूसरा, जिनको पात्रता नहीं बनती है उन्होंने पैसा ले लिया था, उसमें सहकारिता अधिनियम नियम के तहत प्रावधान है कि 12% इंटरेस्ट पे, उसमें कोर्ट के ऑर्डर रूलिंग भी आई है कि 12% के इंटरेस्ट पे वो लोग उस राशि को जमा कर वापस कर सकते हैं। तो ये चीज होनी चाहिए कि जो अगर मान लीजिए किसी में 100 भूखंड है, संस्था के पदाधिकारी द्वारा तब किसी समय में 200 सदस्य बना लिए, उनको नहीं दे पा रहे हैं, 2010 के पहले ये सदस्य संख्या कुछ भी रह सकते थे ये लोग, उसका भी एक दुरुपयोग हुआ है कि आपके भूखंडों की संख्या सीमित है और आपने कहीं ज्यादा सदस्य बना लिए हैं और सदस्य पर बनाने से कुछ नहीं होता है, उनमें से कई लोगों से आपने प्रीमियम की राशि भी ले ली है जमीन की और रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भूखंड नहीं है। जब एक सोसाइटी किसी अनधिकृत रूप के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है उससे बाहर जाती है तो अपने आप ही उसकी आर्थिक कमर टूटती है। अगर आज दो सोसाइटी पे आम जन का अधिपत्य हो जाता है, जिनका अधिकार है उसमें भूखंड जारी है, तो उसमें फिर खरीद फरोख्त का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति पे या कॉलोनाइजर पे नहीं रह जाता है। कॉलोनाइजर जो भी रहते हैं उसके ऊपर अनधिकृत रूप कंट्रोल करते हैं उसी को, बेचने खरीदते हैं बेचने को, तो अपने आप ही इनकी आर्थिक कमर टूटती है। निर्माण इस प्रकार के पाए जाएंगे जरूर तोड़ जाएंगे। सर, अंदर अगर सरकारी संस्था में जिस तरह करोड़ों के लेन देन की बात अब सामने आई है, क्या संस्था भी जांच के घेरे में है, उसके कर्ता धर्ता भी जांच के घेरे में? देखिए ऐसा नहीं है, कोई बैंक अगर अकाउंट खोलता है उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा है, वो पैसा ट्रांसफर कर रहा है, सोसाइटी कर रहा है, तो उसमें बैंक की सब बात नहीं रहती है सब चीज़ों के लिए, पर इनकी तो रहती है जो सोसाइटी के कर्ता धर्ता है, जिनके नाम से सोसाइटी खाता खोल रही है, उनके नियम से बने हुए हैं किस प्रकार से पैसे जाएगा, किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से अधिकार है, पूरे नियम है उसके, उनका उल्लंघन तो है उसी भी लोग अभी क्रिमिनल केस में उनको एविडेंस में आरोपी बनाए गए हैं। सर, राशन घोटाले में किस तरह से 80 लाख की राशन। सोशल डिस्टेंसिंग पालन के साथ पहनना है मास्क। स्पेशल रिपोर्ट एवं यूनिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग पालन के साथ पहनना है मास्क।